अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आर्यास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज टमाटर भिंडी फ्राई की रेसिपी। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लाइक और शेयर ज़रूर करें। आधी किलो भिंडी ले लीजिए, दो बड़े साइज प्याज की डल्ली, चार मीडियम साइज टमाटर, पाँच से छः हरी मिर्च, एक छोटा टेबलस्पून हल्दी, एक छोटा टेबलस्पून अदरक लहसुन, टेस्ट अनुसार नमक, एक मुट्ठी कोथमीर। कढ़ाई को हमने रख लिया है, उसे गर्म होने के लिए रखें। उसमें चार स्पून तेल डाल दें और जब गर्म हो जाए इसमें प्याज डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके ज़रा लाइट ब्राउन करेंगे। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम अदरक लहसुन और हल्दी डालते हैं, उसमें ही अच्छा ब्राउन हो जाएगा। इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक लहसुन हरी मिर्च हल्दी डालकर इसे अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर भिंडी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके दो से तीन मिनट इसी तरह मीडियम फ्लेम पे ढक कर रख देंगे। इसमें नमक ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने से पहले ही एक दो तीन मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे रखें, उसके बाद टमाटर डाल के ढक्कन ढाँप के रख दें। टमाटर बिना हिलाए क्या होगा, अपन जो ऊपर रखते ना दम पे ही टमाटर अच्छी तरीके से पक जाते हैं। जब हम हिला देते हैं तो एकाध नहीं पकेगा, कच्चा पका रहेगा, इसलिए आप क्या करिए खाली दम पे रख के छोड़ दीजिए उसको और एक 10 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे रख के एक 10 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देख के आहिस्ता से नीचे से हिलाएं। एकदम हल्के हाथों से नीचे से लेकर हिलाएं, वरना हमारी भिंडी एकदम मैश हो जाएगी। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मेरे वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना। हेल्पिंग बोल के लिए रेडी है हमारी भिंडी, टेस्टी और मज़ेदार बनी है। इसे खाने के साथ या रोटी के साथ किस में भी खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।